अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मेरे सब खैरियत से होंगे। आज हम वेबसाइट का फेव आइकन जो हमें यहाँ पर शो हो रहा है, जो ये हमारी फिजोड वेदर की वेबसाइट है, इसके साथ हमें ये जो छोटा सा आइकन शो हो रहा है इसको बेसिकली फेव आइकन बोलते हैं। तो इसे हम कैसे ऐड या रिमूव कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपने अपनी वेबसाइट पर जाना है और इसके एडमिन डैशबोर्ड पर जाना है, डब्ल्यू पी एडमिन एंटर करना है, अपने अपने डैशबोर्ड के अंदर आना है। उसके बाद आपने इसको इसकी थोड़ी सी लोडिंग हो जाए, इसके बाद आपने इसको कस्टमाइज करना है। यहाँ से आप इसको एक दफ़ा रिमूव कर दो अगर आपने साइन इन की हुई तो, फिर भी यहाँ पर आपकी शो हो जाएगी। तो ये जो कस्टमाइज़ की ऑप्शन आ रही है यहाँ पर भी आ रही होती है, और यहाँ से आपने इसको क्लिक करना है तो ये जो कस्टमाइज पेज आ जाएगा आपका। तो यहाँ से आपने हेडर सेटिंग में आना है, क्योंकि ये आपका हेडर पार्ट होता है, तो आपने यहाँ से हेडर ऑप्शन के अंदर आना है। और जहाँ पर यह साइट आइडेंटिटी है यहाँ पर आना है, साइट आइडेंटिटी के अंदर हमेशा आपका फेव आइकन होता है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ से आप ये लोगो चेंज कर सकते हो, अपनी वेबसाइट का लोगो चेंज कर सकते हो और इसका साइट टाइटल भी चेंज कर सकते हो। लेकिन जो ये वाला आइकन है यहाँ हमें जो फेव आइकन है जो यहाँ हमें शो करवा रहा है, ये अगर आपने चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज इमेज के ऊपर क्लिक करोगे। तो यहाँ से अगर कोई आपने और सेलेक्ट करना है तो आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपने इसको अपलोड कर देना है। और अगर आपने रिमूव करना है तो आपने यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ से रिमूव हो गया, और अगर आप यहाँ से पब्लिश करोगे तो ये आपका रिमूव सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से और ऐड करना चाहते हैं तो वो और भी ऐड कर सकते हो। बेसिकली हमने ये वाली रिमूव नहीं करना, तो मैंने इसकी सेटिंग को यहाँ से रिफ्रेश कर दिया। तो ये थी हमारी वीडियो फेव आइकन के ऊपर, किसी भी वेबसाइट का फेव आइकन कैसे चेंज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।